नो विजन वाली संस्था कैसे रहती है उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं सन्मित्र अर्बन बैंक का चेयरमैन हूं। हम सन्मित्र बैंक की ओर से काफी बिजनेस सेमिनार्स लेते हैं, बिजनेस कोचिंग देते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं और वो फ्री लेते हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। तो आइए, आपका स्वागत है। मैं वैसा मनोविकार तज्ञ भी हूँ और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जो संस्था को, जो कंपनी को विजन नहीं है, मतलब दूरदृष्टि नहीं है, ये दुनिया कैसी दिखेंगी हम काम करेंगे तो, वो नहीं है तो फिर वो संस्था कैसे रहेगी? वो संस्था ऐसे रहेगी कि वो संस्था में, वो कंपनी में लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे क्योंकि उनको और कहीं जाने का चांस नहीं है, या उनको कोई जाने का और कोई मतलब ठिकाना नहीं है या जगह नहीं है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। यहाँ आते वो सर्वाइवल में काम करते रहते, चलो आज का दिन कैसा भी करके निकालना है। ये लोग सुबह भी उठते हैं, ये कंपनी में काम करने वाले जिनको विजन नहीं है, सुबह उठते हैं तो ऐसे उठेंगे कि चलो आज का दिन हमको काटना है, जीना नहीं है, काटने का है। हर कर्मचारी का मुंह एक दूसरे से अलग अलग रहेगा, घुमावा रहेगा, वो इधर देख रहा है, वो इधर देख रहा है, किसका कहीं मेल जोल नहीं है, पैर में पैर डाल रहे काम कर रहे, क्योंकि उनको कहाँ जाना है मालूम ही नहीं है। मालक से लेके चपरासी तक, सफाई कामगार से लेके जनरल मैनेजर तक, या क्लर्क से लेके अकाउंटेंट तक, किसी को पता ही नहीं कि हम यहाँ आते क्यों हैं। उनको मालूम है कि कभी माल बेचने आते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग करने आते हैं और आज का दिन उनको काटने का है। तो ऐसे संस्थाओं में जहाँ विजन नहीं है, जहाँ पर्पज नहीं है, तो लोग तो ऐसे ही काम करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, कुछ तो भी अपना पेट भरने का है, आज का दिन काटना है उसके लिए आते हैं। उनके सामने कोई विजन नहीं है, उनके पास में ऐसा विजन नहीं है कि जो विजन उनको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। उनकी एक्शन ऐसी हो रही है, बाय डिफॉल्ट हो रही है और वो चल रहे हैं। देखो, एक जैसा सभी का विजन है, एक कंपनी में काम करने वाले जो भी कर्मचारी है, ऊपर से लेके नीचे तक, सुपर क्लास वन से लेके क्लास 5 तक, सभी जो लोग हैं वो यदि सब एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं, एक विजन है उनका, एक गोल है, एक एक्शन है, मतलब इस तरह से काम कर रहे हो तो कितना बड़ा काम तैयार हो जाएगा। मगर हमारे यहाँ लोग विजन के लिए आते नहीं, विजन फुलफिल करने के लिए आते नहीं है, बस काम करने के लिए आते हैं, दिन टालने के लिए आते, दिन निकालने के लिए आते हैं, जीवन काटने के लिए आते हैं और फिर कुछ तरक्की होती नहीं है। तो ये जरूर देखिएगा कि आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजन आप बना लो, मिशन बना लो और देखिए फिर आपके जीवन में, आपके कंपनी में क्या फर्क पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।